तो लोगों की सुनेंगे भाई, मन की बात तो लोगों की होनी चाहिए। जिनको स्टेडियम में होना था, जिन खिलाड़ियों को आगे की तैयारी करने के लिए, वो क्यों मजबूर हुए जंतर मंतर में बैठने के लिए, क्यों मजबूर हुए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। और कल मुख्यमंत्री जी भी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, खासतौर पे आज आप कुरुक्षेत्र में अपने पुराने कार्यक्रम। मैं तो आता रहता हूँ, आज ये कार्यक्रम सबसे मिलने का था, सम्मान समारोह था हमारा, और ऐसे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। पहले रोहतक हुआ, अब यहाँ हुआ है, अगला हम पानीपत में करेंगे, इस तरह हम बड़ी बड़ी शहरों से करेंगे ताकि सभी साथियों से मिल सकें और बातचीत कर सकें, उनकी समस्या जान सकें, ताकि आगे उनके ऊपर आवाज़ उठाएँ। बुढ़ा साहब क्या कहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं जनसंवाद, अब उन्हें याद आया जनसंवाद कार्यक्रम, तो चुनाव 9 साल के बाद याद आया, अब तो शुरू से कर रहे हैं। खासतौर पे क्या रहेगा, आप करनाल में भी मिले हैं कार्यकर्ता, करनाल में भी मिलके हैं पुराने कार्यकर्ताओं से, करनाल में भी रोहतक में भी सभी कार्यकर्ता को मिलते हैं। कार्यकर्ता ही जो है पार्टी की जान होती है, कमर की हड्डी जो है कार्यकर्ता ही होते हैं और वही समाज की लड़ाई लड़ते हैं। आज जो है कार्यकर्ता जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और दूसरी पार्टियों से बहुत लोग आ रहे हैं। लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव का कोई शुरुआत तो नहीं, मंथन तो नहीं हो रहा? चुनाव तो होंगे ही, लेकिन हमारा कार्यक्रम तो पहले से चल रहा है, आज अलग अलग रूप लेता है कार्यक्रम। विपक्ष आपके समक्ष भी चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो भी चल रहा है, और ये कार्यक्रम भी चल रहा है, हमारा पार्टी का निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे। बुढ़ा साहब आज मन की बात का 100वां एपिसोड था, पूरे हरियाणा में बड़े बड़े प्रोग्राम करे गए, क्या कहेंगे? मैं तो सफर में था, मैं देखा नहीं, ठीक है, लेकिन मन की बात अपनी सुना रहे हैं, लोगों की नहीं सुन रहे। आप भी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, आप इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, लोगों अपनी बात सुनाएंगे? लोगों की तो लोगों की सुनेंगे भाई, मन की बात तो लोगों की होनी चाहिए। इतना जनसलाह पहुंचा है यहाँ पे, क्या कहोगे सर? ये दिखा रहा है कि जन समर्थन कांग्रेस की ओर जा रहा है, और आने वाले चुनाव में केवल लोग कांग्रेस के ही तरफ देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव कांग्रेस को ही मान रहे हैं। बुड्ढा साहब दिल्ली में किस खिलाड़ी बैठे हुए कई दिनों से, कल दीपेंद्र जी भी गए, प्रियंका गांधी भी गए, आज रॉबर्ट वाड्रा साहब गए, क्या कुछ कहेंगे खिलाड़ियों के समर्थन, पूरा देश जुटता है? मैं तो 3 दिन पहले गया था वहाँ जुड़ में, और यही है जो हमारे खिलाड़ी बैठे हैं वहाँ पे, वो देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जिनको स्टेडियम में होना था, जिन खिलाड़ियों को आगे की तैयारी करने के लिए, वो क्यों मजबूर हुए जंतर मंतर में बैठने के लिए, क्यों मजबूर हुए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, इसकी गहराई से जांच होना चाहिए। गंभीर मामला है और उनको न्याय मिलना चाहिए। 2014 में जो लोग आए कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, आज उन पर ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, शीश महल 45 करोड़ रुपये का तैयार किया, सब आपके सामने ही है। या हरियाणा में जो भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, आप स्वयं देख रहे हैं। हुड्डा साहब, ये कुमारी सैलजा का कहना है कि जो हुड्डा साहब कार्यक्रम कर रहे हैं विपक्ष आपके द्वारा जा रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यक्रम नहीं है, कांग्रेस का कार्यक्रम तो हाथ से हाथ मिलाने वाला है। ये भी कांग्रेस का कार्यक्रम है, वो भी हाथ से हाथ जोड़े, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम है और विपक्ष के आप समक्ष हमारा कई साल से चल रहा है, ये जो CLP का है उसका कार्यक्रम है। बीजेपी कह रही है जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं तो सिर्फ कांग्रेस के बैठाए हुए हैं, सिर्फ कांग्रेस के बैठाए हुए हैं, राजनीति हो रही है, पीछे राजनीति है जो खिलाड़ी। देखिए, खिलाड़ियों के साथ कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो ये कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। खिलाड़ी देश के होते हैं, देश का सम्मान होता है, वो क्यों मजबूर हैं ये सबके सोचने का विषय है। इसके ऊपर राजनीति, दलगत राजनीति उससे ऊपर हो के सबको उनका समर्थन करना चाहिए।